हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरा रूटीन का सारा काम आज हो गया है, और क्योंकि आज मुझे जाना है नक्स को लेने उसके स्कूल, क्योंकि हरी नहीं गया है आज, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो नहीं गया है, तो मैं ले आऊँगी नक्स को। वैसे तो बहुत जानने वाले हैं, उसने बोला कि हम ले आएंगे नक्स को, मगर नक्स बोला कि मम्मी तुम ही आना, तो मैं जाऊंगी। वैसे वो चल तो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 12:30 बजे जाना है लेने, अभी तो लेट है। और आज वैसे तो आज मुझे सब्जी लेने भी जाना है, क्योंकि सब्जी नहीं है तो अभी जाऊंगी पहले सब्जी लेने। आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, मगर दूध वाला लेट से आया, तो फिर नहाने जाऊंगी तो कौन लेगा, तो उसका वेट करना पड़ेगा। दूध वाले का वेट मैंने किया तो थोड़ा लेट हो गया, तो अभी जाऊंगी सब्जी लेने। और आज तो कपड़े भी फ्रेश करने हैं, यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए हैं, क्योंकि मैं कल करनी थी तो मैं भूल गई। फिर सुबह आज तो अशोक बिना प्रेस के ही पहन के गए हैं, बोला कि नहीं किया प्रेस तुमने, मैंने कल करना था मगर मैं भूल गई, वो कबट में थे, तो फिर मैंने बोला कि मैं भूल गई, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मगर इतना बोला कि वे हर काम तो भूल बहुत जाती है, तो फिर क्या करें, भूल गई। तो अभी दो कुछ दिन पहले मैंने दोपहर में रोटी बनाने के बाद पूरा गैस ऑन कर दिया था, रख दिया था ऑन शाम तक, जब तक अशोक नहीं आया तब तक। तो फिर आया अशोक, उसका ध्यान गया, बोला कि गैस तो ऑन है, कब से ऑन है, तो मैंने बोला कि वो तो दोपहर से ही ऑन है। तो फिर उसने अभी अलार्म, फ़ोन में अलार्म लगाया है, 10:30 बजे तक सब काम हो जाता है, दूध गर्म हो जाता है, तो फिर वो अलार्म बजता है कि गैस बंद कर दो, ऐसे लिखा हुआ आता है। तो फिर वो बोला कि तू कहीं सिलेंडर कहीं फट बट जाएगा, तो इसलिए उसने अलार्म रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, वैसे तो ऐसा रोज तो नहीं होता, कभी कभी होता है कि हम कुछ काम में लग गए तो भूल जाते हैं, तो वो बोलता है तो भूल बहुत जाती है। तो आज तो मैंने प्रेस करनी है, थोड़े मेरे भी कपड़े हैं और थोड़े अशोक के हैं, तो करूँगी आज तो मैं फ्रेश। और अभी जाऊँगी सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी भी कुछ है नहीं, तो पहले वो लेकर आती हूँ, फिर नक्स को लेने जाऊँगी 12:30 बजे, फिर आके आपको मिलती हूँ। तो चलो दोस्तों, बाय अभी के लिए। तो अभी मैं सब्जी लेके आ गई हूँ दोस्तों, कुछ सब्जी में नहीं था उतना, महंगी भी इतनी है क्योंकि बारिश की वजह से वो सब महंगा भी हो गया है। अभी बस एक केले है और क्या था, इतना ही दिया 10 रुपए का, और एक करेला है और क्या है, और भिंडी और बैंगन नींबू, इतनी सब्जी 100 रुपये में आई है। टमाटर तो 40 का एक्स्ट्रा, टमाटर 40 रुपये का केजी एक्स्ट्रा, इतनी 100 में आई है, और कुछ नहीं था लेना वो। तो अभी बजे है 4:30 और मैं और नक्स उठ गए हैं अभी, और नक्स कर रहा है अपना होमवर्क। क्या कर रहे हो नक्स? हैं कलर पूरे हैं, ग्रे कलर ने पूरवानो है हाथी। हाँ यार ये बात छे, आज नक्स को ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला, क्योंकि आज ड्राइंग करनी है, और ड्राइंग है उसमें रंग पूरना है, तो उसको तो बहुत पसंद है, तो ये तो आराम से शौक से करेगा। उसको आदत सी हो गई है, जब वो होमवर्क करेगा तो वो मुंह अपना ऐसे ही रखेगा, वो बोलते हैं ना, एक वो आदत है, तो आदत जैसा ही है उसको, और ड्राइंग करने में भी उसको मज़ा आता है, तो
आज मुझे परेशानी नहीं करे वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो सारे उम्बक में है, वो रंगपुर में है। अभी अशोका गए हैं तो नॉक्स बोला कि पापा मेरे साथ तो क्रिकेट खेलो, तो अभी वो दोनों खेल रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ अभी बाहर। आज थोड़ी धूप है, अभी अभी निकली, अभी तक तो कुछ नहीं था, तो बोला के खेलो। नॉक्स चौको मार। ओ हो, अपने पापा को पूरा वॉकिंग करवा लेगा अभी है। वैसे भी उसको जरूर है वॉकिंग के। अभी रन नो दौड़े, थाके जाए। अभी अशोक कसरत नहीं कर रहे तो उसको जरूर है वॉकिंग की, तो नक्स करवा देगा। धीमे बोल गया है दूर। और उसके फैन भी आ गए अभी, मगर उसके साथ थे नहीं खेलेगा, सब कोई बोलेगा। बोली बजी जाए धीमे धीमे उठे ना, धीमे धीमे बोली बज ले जा। धीमे धीमे ले जा भाई, सेटी में से हम धीमे धीमे मम मम कर। Dime, dime. ¿Cuánto puedo no hablar? ¿Tú te manjas? Dime, dime, ¿qué te digo? ¿Qué te digo?
तो हेलो दोस्तों, अभी तो क्या है कि गीता और नक्शी संभाले हुए हैं थोड़ा व्लॉग, क्योंकि मैं काम में रहता हूँ, थोड़ा लेट भी हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता है और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ बनाऊँ फिर एडिटिंग करूँ तो उतना टाइम बचता नहीं है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ बने वीडियो, क्योंकि अब चालू किया है तो कुछ ना कुछ दिखाना तो पड़ता है। वैसे हम लोग दो तीन आदमी है तो थोड़ा क्या दिखाए वो थोड़ा परेशानी भी रहता है। ये दोनों तो सुबह चले जाते हैं तो मैं अकेली बचती हूँ। हाँ, तो फिर गीता क्या दिखाए कि क्या ज़्यादा टफ है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी कुछ आता नहीं है मगर ट्राई कर रही हूँ अभी। कितना बार वीडियो उसने बनाया है फिर डिलीट किया है, बनाया है फिर डिलीट किया है, क्योंकि शूटिंग करना भी उसको नहीं आता है। तो फिर मैं बोलता था कि भाई ऐसे थोड़ा वो मोबाइल पकड़ना है, ऐसे थोड़ा रखना है, ऐसे एंगल लेना थोड़ा, तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे सीख रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको दिखाए। वैसे हम लोग का तो फार्मिंग या ऐसा कोई विलेज लाइफ या ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हम किसी को शायद इंटरेस्ट हो या क्या नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना लाइफ दिखाए कि भाई जॉब के साथ आदमी सिटी में रहता है, फैमिली से सबसे दूर रहता है, माँ बाप सब जो फैमिली है वो सब गाँव में रखते हैं, तो वैसे अकेले कैसे रहते हैं, कैसे मैनेज होता है। तो बस वही लाइफ दिखाने के लिए हम लोग ने भी यूट्यूब का ये चैनल चालू किया है और कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आपको भी एंटरटेनमेंट मिले। और हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आता है, सबका चॉइस अलग अलग रहता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ दिखे आपको। और मेरा ड्यूटी भी रहता है तो मैं थोड़ा बहुत कंपनी का दिखाने का कोशिश करता हूँ कि दो चार मिनट ऐसे ही आपको व्लॉग में मिले जो मेरी कंपनी का भी दिखने को मिले, क्योंकि सब आदमी तो कच्छ में नहीं रहते, कंपनी शायद ना देखा हो, बाहर रहते हो, तो थोड़ा उसको भी जानकारी मिलेगी किस टाइप का कंपनी रहता है, क्या काम होता है, तो वो भी मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ इसीलिए कि ताकि आपको भी देखने में थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना हिसाब से, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और कुछ आपको चेंजेस हो तो बताइएगा। हम लोग ने हिंदी में भी सोचा, गुजराती में भी सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि गुजराती ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन दूसरे आदमी भी समझ सके जो बाहर के हो, इसीलिए हम लोग हिंदी ने पहले चॉइस किया है। तो अभी तो नक्श और गीता है तो मैं दोपहर के बहुत थोड़ा लेट आता हूँ, तो वीडियो में ज़्यादा गीता और नक्श दिखेंगे आपको, तो कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा फैमिली टाइम साथ में बिताए हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का वीडियो देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा और आगे जाके हम लोग भी कुछ अच्छा दिखा पाए आपको। नक्श को बस ये बोलना आ गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आर्या, तो बस ये नक्श करता रहेगा बस। तो फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।